हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। साथियों, भर्ती आ रही है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से। यह वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट संख्या यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो साथियों वैकेंसी आ रही है, ये आ रही है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर पद हैं। यहाँ पर देख पाएंगे कि आप जो पद हैं वो सामान्य को यानी अनरिजर्व को 108, ईडब्ल्यूएस को 27, ओबीसी को 81, एससी को 52 और एसटी को 3 पद दिए गए हैं। असिस्टेंट इंजीनियर में कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर डिग्री है आपके पास तो 7, अनरिजर्व को, ईडब्ल्यूएस को 2, ओबीसी को 6, एससी को 6 और एसटी को 1 पद यहाँ पर मिला है। अगर असिस्टेंट इंजीनियर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, केवल अनरिजर्व कैटेगरी को 5 पद यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको बताई गई। अगर टेबल 2 में बात करें तो हम सिविल इंजीनियरिंग में केवल अनरिजर्व को 1 पद है, ओबीसी को 1 पद है और एससी को 1 पद यहाँ पर दिया गया है। तो ये टोटल अगर आपके पास सिविल से, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, टेलीकम्युनिकेशन से अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये असिस्टेंट इंजीनियर का पद के लिए है। यहाँ पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 56,100 रुपये तक यहाँ पर आपको सैलरी इसके लिए मिलेगी, ठीक है। जैसा कि क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंजीनियरिंग डिग्री आपको चाहिए होगी, डिग्री डिप्लोमा कुछ भी हो संबंधित ट्रेड से, ठीक है। संबंधित जो आपकी ट्रेडिंग है वो आपके पास उसी से संबंधित डिग्री होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आप इंजीनियर हों, टेलीकम्युनिकेशन से है तो टेलीकम्युनिकेशन से हों, ऐसे ही होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा, सभी का अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। उम्र सीमा अगर हम यहाँ पर देखें तो मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा आयु में, ठीक है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर है यानी एग्जाम होगा इसका, जो सिलेक्शन है वो एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं कहाँ कहाँ पर आपका एग्जाम वगैरह होगा, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, झांसी, मुजफ्फरनगर, ये सिटीज हैं, आगरा, कानपुर, बरेली, ये कुछ सिटी हैं जहाँ पर आपका एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज आएंगी वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। सभी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सिलेबस में क्या क्या आपका रहेगा तो ये आप अच्छे से यहाँ पर देख पाएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर आपका ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और इस भर्ती में आप आवेदन करते हैं तो आपको सीबीटी यहाँ पर एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम आपको देना रहेगा। और एग्जाम देने से पहले आपको देनी होगी फीस। तो अगर आप एससी और यहाँ पर देख पा रहे हैं एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 700 रुपये फीस देंगे। आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो आप 1,000 रुपये देंगे। पीएच हैं तो आप 10 रुपये देंगे। और जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी रहेंगे वो सभी 1,000 रुपये देंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। आप एटीएम से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, एसबीआई के जो बैंक चालान है वहां से, इन सब माध्यमों से इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। आवेदन करने के लिए लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। www.upcl.org से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन इसके लिए करने होंगे। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट आप देख लें, 25 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे इसके लिए और 14 अक्टूबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 14 अक्टूबर तक ही आप इसके लिए फीस भी जमा कर पाएंगे। अगर आप ऑफलाइन फीस चालान के माध्यम से जमा करते हैं तो 16 अक्टूबर तक फीस जमा कर सकते हैं। साथियों, जो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम है वो नवम्बर के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं।
अगर इस भर्ती संबंधित कोई आपको और अधिक जानकारी या कोई कंप्लेन है तो आप इनकी मेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 19 सितंबर को यह विज्ञापन जारी किया गया है। और साथियों सारी इसकी भर्ती की बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, समझ में अगर आपको आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।